कंप्यूटर बाबा का कैमूर में कांग्रेस नेताओं ने किया भव्य स्वागत। मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं समस्त अधिकारी गणों ने किया स्वागत। कंप्यूटर बाबा के कैमूर आगमन पर कैमूर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्याम तिवारी एवं शाहिद हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कंप्यूटर बाबा का भव्य स्वागत ढोल बाजा एवं फूलमाला से किया एवं पेट्रोल पंप बस स्टैंड में मुख्य नगरपालिका अधिकारी लालजी ताम्रकार के नेतृत्व में समस्त अधिकारी व कर्मचारियों ने स्वागत किया। कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी एक हिंदू तपस्वी हैं। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा, माँ शिप्रा और माँ मंदाकिनी रिवर ट्रस्ट के अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, जिन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली कमलनाथ सरकार ने नियुक्त किया है। वह पूर्व शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले वो व्यक्ति हैं जो हमेशा न सिर्फ चर्चाओं में रहते हैं बल्कि उन्हें सत्ता के साथ रहना भी बखूबी आता है। इन्हें कंप्यूटर बाबा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। इनकी याददाश्त बहुत अद्भुत है। बाबा के हाथ में हमेशा लैपटॉप देखने को मिलता है। इसके साथ ही वो वाईफाई, मोबाइल फ़ोन और अत्याधुनिक गैजेट साथ रखते हैं। वहीं बाबा के पास स्वयं का हेलीकॉप्टर भी है। बताया जाता है कि 2013 में कुंभ मेले में अधिकारियों से कंप्यूटर बाबा ने हेलीकॉप्टर से आने की अनुमति मांग कर प्रशासन में हलचल मचा दी थी। मोनू खान, ब्यूरो चीफ। अधीनस्थ अधिकारियों ने भी पौधा लगाने का काम किया, उसकी समीक्षा की और उसके साथ में यहाँ जो नदी है उसमें अवैध तरीके से रेत निकालते हैं, जो हमारी शासन की नीति है उससे निकालते हैं और पूरी नदियों को खराब कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है बेवजह। तो उसकी भी हमने आज मौका निरीक्षण किया, मौका का मुआयना किया और देखा। अधिकारियों के साथ में, माइनिंग के साथ में हम लोग सब लोग गए और देखा तो वहाँ कुछ मिला तो नहीं, पर फिर भी मौका मुआयने से लोगों पे एक डर तो बना रहता है कि कोई भी नदी या नर्मदा किसी प्रकार से नुकसान ना पहुँचे। उसके लिए हम लोग समय समय से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को मनसा है कि नदियाँ कलकल में हैं, नर्मदा कलकल में है, छिपरा कलकल में है, मंदाकिनी कलकल में है। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ बहने के कारण ही तात्पर्य है कि हम लोग उसकी रक्षा करते रहें। तो हमारा और आपका सबका दायित्व बनता है कि इसकी रक्षा करने का काम हमें मिला है तो हम उसे अपनी ईमानदारी बखूबी दें। कुछ दिनों पूर्व भी हमने ACC कैमूर की जो नगर पालिका है उसके CMO का इंटरव्यू लिया और हमारे शहर का जो वातावरण है, शहर की जो मुख्य मार्ग है वो अति जर्जर हालत में है। शहर में ना ही कोई बस स्टैंड है, ना ही कोई यात्री प्रतीक्षालय है और इतना बड़ा उद्योग, दो दो उद्योग हमारे शहर में है। ACC कैमूर है, एवरेस्ट नगर, एवरेस्ट कंपनी। तो हमने माननीय CMO साहब के माध्यम से उनसे आग्रह किया था कि कृपया हमारे शहर के लिए जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र अतिशीघ्र निवारण करें। तो हमारा निवेदन है कि आप भी आज हमारे शहर कैमूर में आए हुए हैं तो कृपया कर आप भी ACC वालों से छोटी सी मीटिंग करके, बैठक करके उनको आदेशित करें कि कृपया जो हमारे शहर की मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। देखिए आप तो इसके मध्य नगर में बात करूँगा, चूँकि ये ACC का मामला है, जो भी रोड बनाएंगे कुछ भी करेंगे यही है। इसके लिए मैं चर्चा करूँगा, SDM से चर्चा करूँगी और संबंधित यहाँ जो कंपनी के उनसे भी बात करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ जो है लोग परेशान ना हों, रोड भी ठीक रहें और जिससे जो है कहीं ना बच्चे गिर पाए, ना गाड़ियाँ ठीक से चल पाए, तो ये सब चीज़ें ठीक रहे। उसके लिए मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा और आगे भी इस कैमूर के लिए जितना अच्छा हो सके माननीय प्रभारी मंत्री प्रिय जी से बात करूँगा कि जिससे कटनी जो शहर, कटनी जिला जो है वो लोग अपनी बात को सुना सकें और माननीय मंत्री उस बात को कर सकें। सकारात्मक सोच और अच्छे उद्देश्यों को लेकर चल रहे हो। एक छोटा सा प्रश्न हमने भी रखा हुआ था, मतलब 22 अक्टूबर का है ये सब, खलवारा बाजार का मुख्य हृदय स्थल जहाँ के तीन तीन डॉक्टर्स क्लिनिक हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, पैथोलॉजिस्ट है और एक ऐसा कहा जा सकता है कि खलवारा बाजार जो है कैमूर का मेन हृदय स्थल जो है, सारी लोगों की आवागमन जो है वहाँ से, आमजन का, छात्र छात्राओं का, बीचों बीच दुर्भाग्य है कि वहाँ पर देशी शराब दुकान विगत कई वर्षों संचालित है जिसको उठाने के प्रयास में हमारा व्यापारी वर्ग भी पूरा एक टाइम दुकानें सब अपनी बंद करके
छात्र छात्राओं को पठन पाठन सामग्री कोई भी लेने जाना पड़ता है स्टेशनरी में, तो वो बेचारे बच्चे अपना ग्रुप बना के चलते हैं, किसी असामाजिक तत्व को हमको छेड़ ना दें। माने इस तरीके का वहाँ गंदा माहौल रहता है सर। शाम को 7:30 बजे से 8 बजे तक पूरा व्यापार हमें बंद करना पड़ता है, जो व्यापार हम 11 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो भी सरकार थी उनने ध्यान नहीं दिया या देख के अनदेखा किया। आज हमें पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा जो स्कूल कॉलेजेस सब 10 से 15 फीट की दूरी में है। और बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताऊं कि गुरुद्वारा पंजाबी सभा जो धार्मिक संस्थान है, आबकारी विभाग के सर्कुलर में हमने देखा है, पढ़ा है कि 50 मीटर की दूरी से होनी चाहिए देशी शराब दुकान। गुरुद्वारे के मुख्य हृदय स्थल से मात्र 10 से 15 फीट की दूरी पे है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष में हमने ये प्रकरण 22 अक्टूबर का दिया। विजय रावागढ़ उपखंड मजिस्ट्रेट SDO मैडम के समक्ष है, थाना प्रभारी कैमूर के समक्ष है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई संतोषप्रद कार्रवाई कागजों में बस नजर आ रही, होती नजर नहीं आ रही। नहीं, ये तो वास्तव में गलत है, जिससे हमारी जनता जनाब यहाँ के रहवासी जिससे परेशान है और वो ना हटे। मैं इसके विरोध करता हूँ, इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, उन पर गलत असर पड़ेगा, वो ठीक से ना स्कूल जा पाएंगे, ना वहाँ कभी बाजार जा पाएंगे, और व्यापारियों को भी कष्ट होता है। मतलब एक चीज़ से भी सभी, तो हमें उस बात को ध्यान रखें। मैं माननीय जो यहाँ प्रभारी मंत्री